लेकिन मेहनत करो भाई, हमने खूब मेहनत किया, बोर्ड में खूब अच्छे नंबर आ गए, बोर्ड में 85% आ गया, हमारे टाइम पे 85% आना भी अच्छी बात थी, आजकल तो नहीं है, तो बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए, हम टॉपर बन गए, बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम JEE नीट की तैयारी करने गए तो हमको पता चला कि भैया जो तैयारी हमने की थी वो तैयारी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है, आपको समझ में आना पड़ेगा कि वो पुराने दिन थे जब ये बोला जाता था कि कर्म करते जाओ फल की इच्छा ना करो, वो सतयुग की बात है, त्रेता युग की बात है, क्योंकि तब लोग कम थे, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी। आज अगर एक प्यून की भी नौकरी निकलती है तो उसमें भी मास्टर्स लोग अप्लाई करते हैं सरकारी, आप समझ रहे हैं, मतलब आज अपॉर्चुनिटीज की कमी है और लोग बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप एक को छोड़ो तो चार मिल जाएंगे आपको, दिस इज द सिचुएशन। आज के टाइम पे वो बातें कि कर्म करते जाओ फल की इच्छा ना करो वो वैलिड नहीं है। आज के टाइम पे वैलिड क्या है, कर्म वही करो जिससे फल मिले, अदरवाइज आप पागल हो, लिटरली बोल रहे हो। क्यों, क्योंकि अगर आप बस मुंह उठा के पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर वो पढ़ाई काम का नहीं है, ठीक है, आप पूरे भीड़ के एक हिस्से बन जाएंगे और पीछे कहीं छूट जाएंगे। जैसे मेरे साथ हुआ, जब मैं 12th पास करके और कोटा गया तैयारी करने के लिए, तो मेरे को सब चीज़ें नहीं लगी, मैं अच्छे मतलब टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। मैंने एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि भाई जो जो चीज़ें आपने हार्डवर्क से रख ली हैं उन चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उनसे आते हैं बोर्ड में नंबर। बोर्ड का पेपर बनता है आपकी थियोरेटिकल टेस्टिंग के लिए, मतलब वही सेम बुक है, उसी सेम बुक का सिलेबस बोर्ड में भी है, वही सेम बुक का सिलेबस JEE और नीट में भी है, सेम सिलेबस है 12th क्लास का। लेकिन उसमें जो मेन मुद्दा है वो ये है कि बोर्ड वाले आपसे ज़्यादा न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस नहीं पूछते हैं। जी इडन वैली सफलता के साथ संकेतव एजुकेशन मिल के यहाँ पर जितने भी JEE नीट UPSC APSC के जो कोर्सेस हैं, जो कि जनरली लोगों को गुवाहाटी में दिल्ली में अवेलेबल होते हैं, तो हम यहीं पे समता में यहाँ के लोगों के लिए, खासकर इडन वैली के जो बच्चे हैं उनके अच्छे डेवलपमेंट के लिए और अच्छे ताकि वो अच्छी रैंक से JEE नीट UPSC APSC क्रैक करें, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हम यहाँ पर चला रहे हैं। पहला प्रोग्राम हम जो चला रहे हैं वो JEE और नीट के लिए क्रैश कोर्स है, जो 20 तारीख से स्टार्ट होगा, यही जो 20 की आ रही है 20 मार्च से, जिसका टारगेट होगा कि जिस साल जो JEE और नीट एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बच्चों की मैक्सिमम रैंक आए। इसके बाद हम लोग मई जून से जो रेगुलर प्रोग्राम है उसको हम चेंज करके प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन और स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ताकि बच्चों को स्कूल और कोचिंग दोनों का फ़ायदा एक साथ मिले, यहीं पर कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो जो भी गाँव के जो रूरल एरिया के जो बच्चे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होगा और उनको काफ़ी सपोर्ट हम यहीं पे दे देंगे। जो लोग बच्चों को जो लोग UPSC APSC की भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हम इडन वैली में ही UPSC और APSC के कोर्सेज इसी साल से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें हमारी जो फैकल्टी टीम है वो सब बहुत ही सीनियर है, जैसे मैं खुद केमिस्ट्री मतलब पढ़ाता हूँ JEE और नीट के लिए और मेरा एक्सपीरियंस 20 साल से ऊपर है, और UPSC APSC भी मैं पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, उसमें मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स जितने भी टीचर मिलेंगे वो सब आपको इसी लेवल पे मिलेंगे, और टीचर्स के अलावा हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो करंट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, जिससे कि बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेगुलर मॉनिटरिंग, तो हम बच्चों को डिजिटल मीडियम के थ्रू जोड़ के और बच्चों का एक AI एनालिसिस करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ताकि बच्चों को एग्जैक्टली पता रहे कि टेस्टिंग के बाद कि वो उनको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत करनी है और किन पे कम मेहनत करनी है। उसके लिए हम लोग एक नया ऐप बना रहे हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हमारा कोर्स फीस क्रैश कोर्स का तो एकदम हमने मिनिमम रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ के जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, तो उनके लिए हमने क्रैश कोर्स का फीस केवल और केवल 7,999 रुपये रखा है, और उसमें भी स्कॉलरशिप है अगर आपका बच्चा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा गरीब है आप, तो बिल्कुल हम इडन वैली मैनेजमेंट के साथ मिलके हम चाहेंगे कि उनको फ्री एजुकेशन मिले। মানে এটা ক'ব পাৰি যে নলবাৰীৰ মানে বাহিৰ কাৰণে এটা এডুকেশ্যনৰ ৰেগুলেশ্যন আহিছে, মানে এনেকুৱা ৰেগুলেশ্যন যে ভাবিলোঁ যে নলবাৰীৰ যুৱক পঢ়িব খোজে
মিডিয়াম লেভেল হোক বা হাই লেভেল হোক তার কারণে বহুতে ভাল খবর মানে পুরো নলবাৰীৰ কারণে কি আমি এটা ইট এণ্ড ভেলিতে এটা পুরো সেট আপ বয়াইছো মানে ভাবিলক স্পেশালি কোচিংয়ের কারণে যেহেতু আপনার ভাবিলক মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বা এপিএসসি ইউপিএসসি যিহৰ কারণেও তো এই সুবিধা মানে কংগ্রেস হবে উপলব্ধ হব এই স্টার্টে আর মানে এই সেশন 20 তারিখের পর আরম্ভ হবে সিট হবে তো আমি দুটা বেচ চলাম আমি ইট এণ্ড ভেলি দুটা বেচ চলাম বাকি যদি এতে ফুলফিল হয় তো আমি নেক্সট টার্গেট বেলেগ চাও মানে ভাবিলক যে গুহাটিত আমার পুরা সেট আপ আছে যদি কোনোবা ভাবিলক ইয়ার পর গুহাটী আছে গুহাটীত অলরেডি পড়ি আছে যে কটন কলেজ হোক বা বেলেগ ইনস্টিটিউট বা বেলেগ কোচিংত পড়ি আছে আমার গুহাটীত এভেলেবল আছে নিজের হোস্টেল নিজের বিল্ডিং গুহাটীত আপনার বেলতলা বেলতলা তিনিআলি জয়নগর এই একদম মানে তিনআলি তো হ্যাঁ ওহে পুরা সেট আপে তাতে আমার মিনিমাম 500 মান সেট আপ হয়ে যাবে আমার নিজের বিল্ডিং নিজের সব থ্যাংক ইউ।